हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज से हम क्लास मतलब कि आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बच्चों बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस टाइप मतलब कि इसमें जो गैमिट्स होंगे, इसमें जो मेल गैमिट है वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, मतलब मूवेबल होगा। वहीं जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी। ठीक है, तो ऐसे गैमिट का जो फ्यूजन होगा इसमें, ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को ऊगेमस कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इनमें इसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बच्चों कहते हैं आर्केगोनियम। जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, मेल गेमिट बनेगा, और वो मेल गेमिट क्या है, एंथ्रेजोइड। तो एंथ्रेजोइड जो है बच्चों वो क्या है, ब्रायोफाइट का मेल गैमिट है, जिसे हम कॉमनली स्पर्म, बायफ्लेजिलेटेड स्पर्म भी कहते हैं। वहीं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्केगोनियम है। सिंपल सी बात है, इस आर्केगोनियम के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमिट बनेगा, जो कि ओवम यानी एग होगा। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ब्रायोफाइट्स के ये जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ये एक स्पेशलाइज्ड लेयर से कवर्ड रहते हैं। उस लेयर को बच्चों हम कहते हैं जैकेट लेयर। क्या कहते हैं, जैकेट लेयर। ठीक है, स्पेशली जो ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये स्पेशली कवर्ड रहता है। एक बार को फीमेल सेक्स ऑर्गन कवर्ड हो भी सकता है, नहीं भी, बट ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, ये हमेशा क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड लेयर से कवर्ड रहता है, जिसे जैकेट लेयर कहते हैं। और इस एंथ्रीडियम के अंदर बनता है इसका मेल गैमिट यानी एंथ्रेजोइड। तो ये एंथ्रेजोइड बनता कैसे है, देखो बच्चों, जो लेयर एंथ्रीडियम को कवर करती है चारों तरफ से, जिसे जैकेट लेयर कहते हैं, इस जैकेट लेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे एंड्रोसाइट कहते हैं। ये एंड्रोसाइट डिवीजन करता है और डिवीजन करके ब्रायोफाइट का मेल गैमिट एंथ्रेजोइड बनाता है। ठीक है बच्चों, एंथ्रेजोइड बनाता है। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट रहते तो ज़मीन पर है बट इनको रिप्रोडक्शन के टाइम पर वाटर की नीड होती है। तो यहाँ ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो वाटर की नीड इन्हें कैसे हो रही है। तो देखो बच्चों, ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान वाटर की नीड होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट के चारों तरफ वाटर होता है। ठीक है, तो जब ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमिट है एंथ्रेजोइड, ये वाटर में स्विम करते हुए सीधा पहुंचता है कहाँ पे, ब्रायोफाइट की फीमेल सेक्स ऑर्गन के आर्केगोनियम के अंदर जाता है, जहाँ पे ओवम होता है। समझ क्या करूँ मैं, जब ब्रायोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम के अंदर रखा हुआ जो इसका मेल गैमिट है एंथ्रेजोइड, ये वाटर में फ्री हो जाता है। अब एंथ्रेजोइड फ्लेजिलेटेड है तो सिंपल सी बात है, ये वाटर में स्विम करेगा, तो स्विम करते हुए सीधा पहुंचता है कहाँ पे, ब्रायोफाइट की फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है आर्केगोनियम, उसके अंदर। और आर्केगोनियम के अंदर क्या है, ओवम यानी फीमेल गैमिट। ठीक है, तो ये जाता है और जाने के बाद क्या होता है कि जो एंथ्रेजोइड यानी जो मेल गैमिट है, ये ओवम यानी फीमेल गैमिट से क्या होता है, फ्यूज होता है। इनके फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो यानी कह सकते हैं यहां पर कि ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और वो मीडियम वाटर है। तो जैसे क्या होगा, ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम वाटर में डिजोल्व होगा, तो एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट है एंथ्रोजोइड, ये वाटर में फ्री हो जाएगा, और वाटर में स्विम करते हुए सीधा ब्रायोफाइट की फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम के अंदर जाएगा। आर्केगोनियम के अंदर है एग यानी फीमेल गैमेट ओवम, तो ये मेल गैमेट एंथ्रोजोइड क्या होगा, एग यानी फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। इनके फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे, जिससे क्या होगा, एक डिप्लोइड सेल बनेगी, जिसे जायगोट कहेंगे, जो सिंगल सेल होगी। और इस जायगोट के बनने की पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो बच्चों एंथ्रेजोइड है, ये एन है, एन मतलब समझ रहे हो ना, हैप्लोइड है, यानी एंथ्रेजोइड सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है वो अनपेयर्ड है, और जो ओवम है
इस गैमेट के अंदर भी जो क्रोमोजोम है वो अनपेयर्ड है, यानी ये हैप्लोइड है। तो जब ये दोनों हैप्लोइड सेल्स फ्यूज्ड होंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ डिप्लोइड सेल बनेगा, डिप्लोइड जो कि 2n होगा। तो कह सकते हैं कि जायगोट डिप्लोइड है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने जैसे कि बताया था कि ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक हैप्लोइड होती है। तो ब्रायोफाइट के अंदर जैसे ही जायगोट बनता है तो जायगोट डिप्लोइड होता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर जैसे ही जायगोट बनता है तो जायगोट बनते ही ब्रायोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो खत्म हो जाती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी डिप्लोइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है जायगोट बनने के बाद। कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है? स्पोरोफाइटिक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। दोबारा सुनो, ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस टाइप का है, जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किकोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है एंथ्रोजोइड, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किकोनियम है जिसके अंदर बनता है ओवम, जो कि ब्रायोफाइट का एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो ब्रायोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम के अंदर रखा जो मेल गैमेट है ये फ्री हो जाता है, और फ्री होने की वजह से ये स्विम करते हुए सीधा ब्रायोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के अंदर जाता है, और आर्किगोनियम के अंदर जाकर जो फीमेल गैमेट है ये एंथ्रोजोइड फीमेल गैमेट यानी ओवम से फ्यूज होता है। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोजोइड हैप्लोइड है यानी एन, ओवम भी हैप्लोइड यानी एन। जब ये दोनों एन फ्यूज होंगे तो इससे एक सिंगल सेल बनेगा जिसे जायगोट कहेंगे, जो कि कैसा होगा बच्चों? 2n होगा, और इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक होती है, सिंपल सी बात, गैमेटोफाइटिक होगी यानी हैप्लोइड होगी। तो ब्रायोफाइट के अंदर जैसे ही जायगोट बनता है तो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइटिक स्टेज खत्म हो जाती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है जायगोट बनते ही, क्योंकि जायगोट डिप्लोइड होता है यानी स्पोरोफाइटिक होता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इतनी बात समझ आई आपको? अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, जायगोट बन गया, क्या हो गया, जायगोट बन गया। ये जो जायगोट कैसा है? 2n है। कैसा है ये? 2n। अभी जो जायगोट है बच्चों, इस जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस होने की वजह से ये जायगोट क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेगा। उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम स्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। ये भी 2n ही होगा हमारा। ध्यान सुनना, आगे की स्टेज में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया यानी हमारे ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट की स्टेज स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि जो जायगोट होगा बच्चों, ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम क्या होगा, ब्रायोफाइट में आगे जाकर तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये स्पोरेंजियम। पहला होगा बच्चों यहाँ पे क्या, फुट। दूसरा होगा यहाँ पे क्या, सीटा। और तीसरा होगा यहाँ पे कैप्सूल। कैप्सूल, इतनी बात समझ आई मैंने क्या कहा? दोबारा सुनो, जायगोट है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। जायगोट कैसा है? डिप्लोइड है। ठीक है, जायगोट डिप्लोइड होने की वजह से ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइटिक स्टेज जो हैप्लोइड होती है वो खत्म हो गई, और स्पोरोफाइटिक स्टेज यानी डिप्लोइड स्टेज ब्रायोफाइट में स्टार्ट हो गई। ठीक है बच्चों, डिप्लोइड स्टेज क्या हो गई, इसमें स्टार्ट हो गई। तो ये जो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइटिक स्टेज आई है, ठीक है, ये जो जायगोट है ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, और माइटोसिस डिवीजन करके एक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहेंगे। और ये जो स्पोरेंजियम बना है ब्रायोफाइट के ऊपर, ये स्पोरेंजियम पूरी तरीके से ब्रायोफाइट की बॉडी पर डिपेंड रहेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्या मैंने, ब्रायोफाइट की बॉडी पे ये जो स्पोरेंजियम बना है जो कि स्पोरोफाइटिक है यानी 2n है यानी डिप्लोइड है, ये जो स्पोरेंजियम है ये पूरी तरह से, यानी जो स्पोरोफाइट है ये स्पोरोफाइट, ये पूरी तरीके से क्या होगा, ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट है उस पर डिपेंड रहेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए इन स्पोरेंजियम को यानी स्पोरोफाइट को क्या कहा जाता है, पैरासाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इन्हें कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर ये स्पोरेंजियम क्या होगा, आगे जाके तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना, ये ब्रायोफाइट की रूट हो गई है। मैंने बताया था ब्रायोफाइट में ट्रू रूट नहीं होते, इसमें रूट की जगह राइजोइड होता है, ये इसका राइजोइड हो गया जो बिल्कुल रूट की तरह होगा। ठीक है, फिर ये इसकी स्टेम हो गई। ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम नहीं होता, उसमें स्टेम की जगह एक्सिस होती है जो होती स्टेम की तरह है लेकिन स्टेम नहीं होता है। फिर यहाँ पे इसके लीव्स निकल रहे होंगे इस तरह से, ब्रायोफाइट के इस तरह से लीव्स, ये इसके लीव्स हैं, ये इसके लीव्स हैं।
ब्रायोफाइट में ट्रू लीव्स नहीं होते, इसमें लीव्स की जगह अपेंडेजेस होते हैं, मैंने बताया था क्या होते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, चो एक मिनट इंक भर लो जरा, जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर इसके बाद क्या होगा, ये अपेंडेजेस हैं इसके, फिर क्या होगा, ये ब्रायोफाइट है पूरा, ये क्या है ब्रायोफाइट, जो कि जिसकी बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जैसे ही जायगोट बनेगा तो ये जायगोट क्या होगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा, इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहेंगे। अब ये स्पोरेंजियम बच्चों क्या होगा, तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा इस तरह से, कितने, तीन पार्ट में इस तरह से क्या होगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा इस तरह से। जहां पे जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसका पूरा, ये इसे कहेंगे फुट, ये जो फुट है ना फुट, ये पूरी तरीके से ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है गैमेटोफाइटिक, इसके अंदर एम्बेडेड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसका ये जो स्टोक, ये जो डंठल वाला जो पार्ट है, इसे स्टोक कहते हैं, या इसको सीटा भी कह सकते हैं, सीटा, क्या कहते हैं इसको, सीटा कहते हैं, जो कि फुट और कैप्सूल के बीच में होता है, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं बच्चों कैप्सूल, क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जायगोट जैसी बनेगा ब्रायोफाइट के अंदर, तो ये जायगोट क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा स्पोरेंजियम में, और ये स्पोरेंजियम भी 2N होगा, मतलब स्पोरोफाइटिक होगा। ये स्पोरेंजियम फिर आगे जाके क्या होगा, तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो जैसे देख सकते हैं ब्रायोफाइट की मेन बॉडी है, इसी मेन बॉडी के ऊपर ये स्पोरेंजियम बनता है, और फिर ये स्पोरेंजियम आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो फुट है, फुट सबसे लोअर पार्ट स्पोरेंजियम का, ये पूरी तरीके से ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है इसके अंदर धंसा हुआ है न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो स्पोरेंजियम जो बना है ब्रायोफाइट के ऊपर, जो कि एक स्पोरोफाइटिक स्टेज है, ये स्पोरोफाइट पूरी तरह से डिपेंड रहता है ब्रायोफाइट पर। फिर ये जो डंठल वाला जो पार्ट है, इसे सीटा कहते हैं, जो कि फुट और कैप्सूल को कनेक्ट करने का काम करता है, और सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो इसे कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। इतनी बात समझ आई कि क्या होता है यहाँ पे, जायगोट बनने के बाद क्या होगा। तो ये पूरी क्या है बच्चों, स्पोरोफाइटिक स्टेज है ब्रायोफाइट की। क्या है ये पूरी ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइटिक स्टेज, क्या ये स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट की मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक, ठीक, यानी हैप्लोइड। लेकिन जैसे ही क्या होता है ब्रायोफाइट में जायगोट बनता है, तो जायगोट डिप्लोइड होता है, तो ब्रायोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो खत्म हो जाती है, और स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और वो स्पोरोफाइट यानी जायगोट पूरी तरह से डिपेंड रहता है ब्रायोफाइट की मेन बॉडी पर अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये बात ध्यान रखनी है। फिर ये जायगोट डिफरेंशिएट होता है, लार्ज होता है, माइटोसिस डिवीजन करके ग्रोथ करता है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियम फर्दर डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जहां पे फुट पूरी तरीके से एम्बेडेड रहता है ब्रायोफाइट की बॉडी के अंदर, सीटा ये एक डंठल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि फुट और कैप्सूल को कनेक्ट करता है, और कैप्सूल जो होता है बच्चों वो स्पोरेंजियम का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो स्वेलन होता है, फुला हुआ होता है, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और इनकी वॉल्स काफी थिक होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात समझ आई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा इसके बाद। तो अब ये तीन पार्ट बन गए यहाँ पे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये बच्चों ये जो कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल एक बार द्वारा कैप्सूल, ये कैप्सूल बना लिया हमने यहाँ पे। तो इस कैप्सूल के अंदर इस तरीके से कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल 2N होते हैं, मीन्स डिप्लोइड होते हैं, यानी स्पोर मदर सेल। तो ये जो स्पोर मदर सेल होता है बच्चों, इन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस डिवीजन। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन बच्चों एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये स्पोर मदर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 2N है, मतलब इस स्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम पेयर्ड है। तो जब इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे, उन सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो नए सेल्स बनेंगे बच्चों इस तरह से, वो नए सेल्स क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे, यानी एन होंगे। क्योंकि मियोसिस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, ये एन हो गया। क्या हो गया, एन। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल्स बने हैं हैप्लोइड सेल्स, ये हैप्लोइड सेल्स क्या होंगे बच्चों, एक मिनट जरा। ठीक है, तो ये जो हैप्लोइड सेल्स बने हैं, ये हैप्लोइड सेल्स क्या होंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे इनटू स्पोर्स, और ये बन गए स्पोर्स। और ये स्पोर्स भी कैसे होंगे, पूरी तरह से हैप्लोइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लोइड। तो यहाँ बात क्या, यहाँ पे कौन सी बात आपको याद रखनी है, देखो बच्चों,
ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट में जैसे ही जायगोट बनता है तो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइटिक स्टेज खत्म हो जाती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जायगोट डिप्लोइड होता है, यानी स्पोरोफाइटिक होता है वो, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, जायगोट मैच्योर होगा और फूट सीट एंड कैप्सूल बना लेगा। कैप्सूल में होगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके दोबारा क्या करेगा, स्पोर बनाएगा, और ये स्पोर कैसा होगा, हैप्लोइड होगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही क्या होगा, ब्रायोफाइट के अंदर ये हैप्लोइड स्पोर बनेगा, तो ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो जाएगी और फिर से गैमेटोफाइटिक स्टेज आ जाएगी। तो ब्रायोफाइट में ना ये प्रोसेस चलता रहता है, क्या, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, ये प्रोसेस चलता रहता है एक ऑल्टरनेट वे में, और इसी को बच्चों हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को हम कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये स्पोर्स बन गए, ये स्पोर्स कहाँ बने हैं, ये स्पोर्स बने हैं कैप्सूल के अंदर, ठीक है बच्चों, कैप्सूल के अंदर बने हैं ये स्पोर्स। अब ये जो कैप्सूल होते हैं बच्चों, इस कैप्सूल के अंदर एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को हम इलेटर्स कहते हैं। ये इलेटर्स क्या करता है, जब वाटर को एब्जॉर्व करता है तो वाटर को एब्जॉर्व करके ये जो इलेटर है फूल जाता है, जिसकी वजह से ये कैप्सूल भी फूलने लगती है, और फूलने की वजह से कैप्सूल की वॉल फट जाती है। जैसे ही कैप्सूल की वॉल फटती है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये लाइब्रेट हो जाते हैं एयर में, लाइब्रेट इन एयर, ये एयर में फैल जाते हैं, लाइब्रेट इन एयर, और जैसे ये एयर में फैलते हैं तो एयर में फैलने के बाद जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है स्पोर्ट्स को, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब इन स्पोर्ट्स को सफिशियंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलेगा या फिर सफिशियंट क्वांटिटी में जब उसको मॉइस्चर मिलेगा, तो इस केस में ये स्पोर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होके ब्रायोफाइट की न्यू बॉडी बना लेगा जो कि गैमेटोफाइटिक होगा। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक लाइन याद रखनी है आपको कि ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है, क्या होती है, गैमेटोफाइटिक, लेकिन जैसी ब्रायोफाइट में जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जायगोट स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लोइड होते हैं, तो इस केस में ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइटिक स्टेज खत्म हो जाती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। फिर जायगोट स्पोरेंजियम बनाता है, स्पोरेंजियम से बनते हैं फूट सीट एंड कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर्स जो कि हैप्लोइड होते हैं। जैसे स्पोर बनेगा उसके अंदर, तो गैमेटोफाइट स्टेज पहले खत्म हुई थी, फिर स्पोरोफाइटिक स्टार्ट हुई। जैसे ही क्या होगा, स्पोर बनेगा इसके अंदर, तो ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइटिक स्टेज खत्म हो जाएगी और गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है ब्रायोफाइट के अंदर, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, ये प्रोसेस चलता रहता है एक ऑल्टरनेट वे में, इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस याद रखेंगे, क्या से क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट स्पोरेंजियम बनाएगा और वो स्पोरेंजियम डिवाइड होगा तीन पार्ट में, फूट सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर एक स्पेशलाइज सेल होती है जिन्हें स्पोर मदर सेल कहते हैं, जो डिप्लोइड होती है। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो जो नए सेल्स बनेंगे इसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम रहेंगे, इसके कंपेयर में हाफ रहेंगे, यानी वो हैप्लोइड होंगे। फिर ये सेल्स मैच्योर होकर स्पोर्स बना लेंगे, ठीक है। फिर ये स्पोर्स क्या होंगे, बाद में जब ये कैप्सूल की वॉल रप्चर होगी तो बाद में ये स्पोर्स क्या होंगे, एयर में लाइब्रेट होंगे, और लाइब्रेट होने के बाद जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ब्रायोफाइट की न्यू थैलस फॉर्म करेंगे। तो बच्चों इस तरह से ब्रायोफाइट में क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसको ध्यान रखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड थैंक यू।